MT-1 उपग्रह जो अंतरिक्ष से धरती की तरफ गिर रहा है। 12 साल की उम्र पूरा करने के बाद ये उपग्रह आज पृथ्वी की निचली कक्षा में एंट्री करेगा और यहीं से शुरू होगा इसरो का नया मिशन। दरअसल उपग्रह को धरती पर गिरते समय उसे धरती के घर्षण का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सैटेलाइट टूटा तो उसका मलबा टूटकर आबादी वाली जगह पर गिर सकता है। खतरा है 1000 किलो के उपग्रह से हादसे का, खतरा है 125 किलो ईंधन से किसी दुर्घटना का। मिशन है इसे बिना किसी हादसे के धरती पर गिराना। इसरो नियंत्रित तरीके से इसे पृथ्वी के वायुमंडल में तय जगह पर प्रवेश कराएगा ताकि उपग्रह आबादी से दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरे। शाम 4:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच इसके धरती पर गिरने की संभावना है। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNEC ने मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए 12 साल पहले MT-1 को प्रक्षेपित किया था। उपग्रह का जीवन काल सिर्फ 3 साल का था, लेकिन ये 10 साल तक सूचनाएं देता रहा। ये मिशन इसलिए बड़ा है क्योंकि इसरो सैटेलाइट प्रक्षेपित करने में बड़ी ताकत बन चुका है और ऐसे में उपग्रहों को सुरक्षित तरीके से धरती पर गिराने में कामयाबी भी इसरो के लिए जरूरी है।